हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी विशेष बातें जिनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। अक्सर कहा जाता है कि दांतों को चमकदार बनाने के लिए कोई ना कोई नुस्खा बनाया गया है, जिन नुस्खों को हम ट्राई भी करते हैं और अपने दांतों को चमकाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने सारे नुस्खों में कौन सा हमारे दांतों के लिए अच्छा है और कौन सा यूजलेस? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपकी दोस्त नायरा आज आपको इसी बात से परिचित कराने वाली हूँ कि दांतों को चमकदार बनाने के लिए कौन सा नुस्खा कारगर है और कौन सा बकवास। टिप नंबर 1 है स्ट्रॉबेरी। कहा जाता है कि एक पकी हुई स्ट्रॉबेरी के अंदर अपने टूथब्रश को अच्छे तरीके से डिप करके उससे अगर आप अपने दांतों को साफ करते हैं तो वो आपके दांतों को और भी ज्यादा चमकदार बनाता है। अब बात ये उठती है कि क्या ये सच्चाई है या फिर यूजलेस तरीका। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के अंदर कई ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे दांतों के पायरिया को दूर करने के लिए मददगार साबित होते हैं। दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए अगर आप स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक उत्तम उपाय है। टिप नंबर 2 है पिसी हुई हल्दी। कई लोगों का ये कहना है कि पिसी हुई हल्दी के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका गाढ़ा पेस्ट बनाकर यदि आप अपने टूथब्रश में लगाकर अपने दांतों को साफ करते हैं तो भी आपके दांत चमकदार बन सकते हैं। सच्चाई है कि ये टिप बिल्कुल झूठा है, क्योंकि ऐसा करना आपके दांतों के लिए संक्रमण और मुसीबत को न्योता देने जैसा है। हल्दी केवल दांत को छुटाने के लिए या फिर घाव को भरने के लिए काम आती है। अगर आप इसे अपने दांतों पर प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपके दांतों पर बहुत ज्यादा पीलापन छोड़ देगी और हो सकता है कि आपके मुंह में संक्रमण भी हो जाए। टिप नंबर 3, केले के छिलके। कई लोग कहते हैं कि केले के छिलकों के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। दांतों के दाग धब्बों को दूर करने के लिए केले के छिलके के अंदरूनी भाग को अगर हम अपने दांतों पर अच्छे तरीके से मसाज करते हैं तो दांतों की दुर्गंध और दाग दोनों ही दूर हो जाते हैं और दांत बन जाते हैं चमकदार। जी हाँ, ये बात और ये टिप बिल्कुल सही है। अगर आप इस प्रक्रिया को रोजाना करते हैं तो आपके दांतों में ना ही तो संक्रमण होगा और ना ही आपके दांत पीले दिखाई देंगे। टिप नंबर 4 है नारियल तेल। कई लोगों का ऐसा मानना है कि नारियल तेल से या फिर जैतून के तेल से अपने दांतों पर मसाज करने से भी दांत चमकदार बनते हैं। ये बात सच हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि वैज्ञानिकों की तरफ से ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं आया है जिसकी वजह से ये पता लगाया जा सके कि यह नुस्खा सच है या नहीं। इसीलिए आप इस नुस्खे को ट्राई करके इसको पता कर सकते हैं। अगर ऐसा करने से आपके दांत चमकदार बनते हैं तो आप इसका ट्राई करें, लेकिन अगर आपके दांत चमकदार नहीं बनते हैं तो आप इसको ट्राई बिल्कुल ना करें। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसी बातें जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। दांतों को चमकदार बनाने के लिए किसी भी नुस्खे को अपनाने से पहले उसका सच या फिर झूठ अच्छे तरीके से पहचानना जरूरी होता है। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।